Brought to you by Biz Analyst by Khatabook. रूस और यूक्रेन के बीच लगातार भारी बमबारी जारी है। अक्सर युद्ध में देखा जाता है कि ज्यादातर बर्बादी और नुकसान नागरिकों की होती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी यही हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले का नुकसान अब रूस के बिजनेसमैन को भी उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप ने पहले से ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसे रूस को युद्ध के दौरान झेलना पड़ रहा है। अब रूस के रईसों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब इटली ने रूस के सबसे अमीर शख्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसके 2 अरब रुपए के क्रूज को जब्त कर लिया है। रूस के जिस सबसे अमीर शख्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उसका नाम है अलेक्सी मोर्दशो। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इस हफ्ते उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब जब्त किए गए उस क्रूज के बारे में बताते हैं। इटली के इम्पीरिया से जब्त किए गए जहाज का नाम लेडी एम है। यह लग्जरी क्रूज 65 मीटर यानी 215 फीट बड़ा है। इटली की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेडी एम की कीमत $27 मिलियन यानी 2 अरब रुपए है। इस लग्जरी क्रूज को 2013 में अमेरिकी शिप बिल्डर कंपनी पामर जॉनसन ने बनाया था। रूस की बड़ी स्टील निर्माता कंपनी सेवरस्टल का मालिकाना हक मोर्दशोव के परिवार के पास है। फोर्ब्स के मुताबिक प्रतिबंध लगने से पहले मोर्दशोव के अनुमानित संपत्ति $29.1 बिलियन थी। इस संपत्ति के साथ मोर्दशोव रूस के सबसे अमीर शख्स है। मोर्दशोव का भूमध्य सागर के सार्डिनिया के तट पर करीब 66 मिलियन यूरो जो कि $72 मिलियन के करीब का आलिशान विला भी है। रूस के एक और अरबपति गेनेंडी गेमचिंको पर भी ठीक इसी तरह की कार्रवाई की गई है। गेनेंडी की लग्जरी नाव को भी इटली के इम्पेरिया में रोक दिया गया है। उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस नाव को जब्त कर किसी सुनसान स्थान पर रखा जाएगा। इटली ने रूस के जिस दूसरे बिजनेसमैन टिमचेंगो के खिलाफ एक्शन लिया है, उसने तेल का व्यापार कर अपनी किस्मत बदली है। ब्रिटेन ने पिछले महीने कहा था कि वह बैंक रूसिया में एक प्रमुख शेयर धारक था। टिमचेंको पर 2014 में क्रीमिया के रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन को अस्थिर करने में भूमिका निभाने का आरोप है। इटली से पहले फ्रांस और जर्मनी भी रूस के अरबपतियों की नाव जब्त कर चुके हैं। दरअसल रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद यूरोपीय देश उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत ही रूस को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है, जिससे शायद युद्ध रोका जा सके। लेकिन हालात को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि रूस यूक्रेन पर हमला करना कब रोकेगा। अब तक रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जिसमें करीब 12 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं और अभी भी पलायन जारी है। दिन रात यूक्रेन पर रूसी हमले भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।